बताया, तो पूरा दिन घूमना ही है। आज हम जाने वाले हैं सबसे पहले आराम नगर और बांद्रा में भी जाएंगे। बांद्रा में मैंने आपको दिखाया था एक प्रोडक्शन हाउस जो कि बंद था, सैटरडे के दिन हम गए थे, मैंने बांद्रा मार्केट दिखाई थी आपको। उस प्रोडक्शन हाउस का नेम है सोल प्रोडक्शन। सबसे पहले आराम नगर जाएंगे क्योंकि आराम नगर जब हम सारे प्रोडक्शन हाउस घूम लेते हैं सारी जगहों पे, तब हम आराम नगर जाने का सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते, हालत ख़राब हो जाती है, पूरा दिन घूमने के बाद, इसलिए आज पहले जाएंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो बड़े रोड पे आ गए हैं हम, अब हम जाएंगे डिपो, डिपो से ही बैठेंगे बस में। बस निकल गई है अभी अभी, अब देखते हैं कौन सी तैयार खड़ी है। आ गए हैं हम डिपो में, ये वाले तैयार खड़ी है। तो हम उतर रहे हैं, कंडक्टर भैया बोल रहे हैं जो टिकट काट रहे हैं कि वहाँ तक नहीं जाएगी आराम नगर तक, तो हम इस बस से उतर गए हैं, दूसरी बस देखते हैं। हमने एक पैसेंजर से पूछा था, वो तो बोल रहे थे कि हाँ ये बस आराम नगर होते हुए जाएगी, बट कंडक्टर भैया पहले टिकट काटने लगे, वो तो अच्छा है वरना बस चल देती। दो बस चली गई अभी यहाँ से, एक का तो हमें पता ही नहीं चला, छोटी बस थी वो बड़ी बस की साइड में खड़ी थी, वो चली गई। टिकट दे रहे थे उन्होंने मना कर दिया, तो फिर हमें उतरना पड़ा बस से, वरना सारी बसें वहीं होके जाती हैं आराम नगर होते हुए। तो बस आ गई है, खाली होने से पहले ही जल्दी जल्दी भर गई है बस। तो ये है आराम नगर का रास्ता। तो ये हम सात बंगलों में उतरे हैं, सात बंगलों से हमें इजी पड़ता है आराम नगर जाने में। तो ये आराम नगर का रास्ता जा रहा है। खाने का कुछ सोच रहे थे, कुछ पता चला यहाँ पे तो एग और चिकन विकन का काम है, खाना है सब। हम वहाँ उतरे थे बस में से, वहाँ से फिर ऐसे घूम घूम के गोल 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 फिर इधर ही आ गए। घूम के आए गोल गोल, रास्ता ये है, हम दूसरे रास्ते पे पहुंच गए। कोई नहीं, आदत हो जाएगी धीरे धीरे घूमते घूमते, शुरुआत में तो ऐसे होता है, अनजान शहर है, अनजान लोग हैं, अनजान रास्ते हैं, तो ये सबको होगा ही। सो गाइज, यहाँ पे हैं कबीर सिन्हा कास्टिंग, ऊपर की साइड है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा चढ़ के सीढ़ियों से। हम पहले भी आए, पहले हमारा इंटरव्यू वहाँ पे हो गया था। सो उन्होंने बोल दिया कि अभी सब बंद है, नो ओपन ऑडिशन, नो ओपन इंट्रोडक्शन, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड लोगों के वो ऑडिशन ले रहे हैं। और उन्होंने बोल दिया बाहर जो ईमेल लगाई हुई है आप उस पर अपना प्रोफाइल सेंड कर देना। आराम नगर में एक ग्राउंड ये है, ये है एंटी कास्टिंग, सो इन्होंने भी यही बोल दिया यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। ये है अविनाश शर्मा, देखना तो आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब। आगे चलते हैं। विनोद भैया आज फिर से, और ये सब आर्टिस्ट खड़े हुए हैं, तो विनोद भैया हमें बता के गए हैं। ये लोहे की सीढ़ियाँ, मेरे को तो इन पर डर लगता है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि नॉक मत करो, डिस्टर्ब मत करो, फिर भी हम मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, मुझे तो सीढ़ियों से डर लगता है। तो हम फिर भी चले गए हिम्मत करके कि यहाँ तक आए हैं, और हमने नॉक किया दरवाज़ा, तो उन्होंने फिर हमें व्हाट्सएप नंबर दे दिया,
जो कि हमारे पास पहले से ही था, पता नहीं कैसे था, किसी ने दिया था शायद। हम जैसे उधर से आए हैं उतर के सीढ़ियों से, तो राइट साइड भी एक है, टाइगेरा 29। तो ये पराग मेहता सरका है 129 में। अब हम यहाँ से ये पार्ट वन है, अभी हम पार्ट टू में जाएंगे। वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, बट देखना हमारा काम है, घूमना हमारा काम है, तो पार्ट टू की तरफ निकलते हैं। अब ये नहीं पता कि इधर से भी निकल जाएंगे क्या। तो हमने मेहनत नहीं करी, फालतू में घूमते गोल गोल फिर लौट के आते, हमने पूछ लिया। वैसे हम मोस्टली पूछते ही हैं, फिर भी हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो हमने पूछ लिया, वो भैया बोल रहे हैं हाँ इसी रास्ते पे चले जाओ, पार्ट टू वहीं मिलेगा, वही हमारा साई मंदिर जिसके थ्रू हम हमेशा पहुँचते हैं। साई मंदिर और ये रही गली, बहुत जल्दी आ गए, तो 2 मिनट भी नहीं लगे हमें। ये गली आप पहले कई बार देख चुके हो ब्लॉग में। मौसम ठीक हो रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, आसपास हैं, कुछ थोड़ी दूर हैं, और यहाँ पे मुंबई के बच्चे कंचे खेल रहे हैं। मुझे अपने गांव की याद आ गई। शायद ये लड़की आ गई। एमसीसी का बंद है। वो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ हो रहा होगा तो। नो ऑडिशन, ये भी बंद है। कास्टिंग डे नहीं, कास्टिंग, हाँ कास्टिंग डे आज तो खुल रहा है। मेरी एज के तो इधर चल के देखते हैं कुछ होगा तो। जितने में हम अब तक आ चुके हैं उनमें तो हम घूम लिए, आज 2 नए में और घूम लिए, विनोद भैया ने दिखा दिए थे हमें। अभी हम सोच रहे हैं कुछ और देख लें जिनमें हम कभी आए नहीं हैं। एक ये है, ये भी बंद है, कोई ईमेल वगैरह भी नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। वेबिनार है, ये भी सब बंद पड़ा है। सो हम फिर से इसी ग्राउंड में आ गए हैं। अभी एक और बचा है, एक और बचा है अभी ऑफिस, वहाँ पे और देखते हैं। उसके अलावा हमें नहीं जानकारी और कहाँ पे है। सो देखते हैं यहाँ पे चल के कुछ हो रहा है तो, पता चल रहा है कि नहीं। तनिष्का पूछने जा रही है, यही लास्ट बचा है, फिर यहाँ से बांद्रा की तरफ चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमें ये मेल मिल गया, आप अपना प्रोफाइल सेंड कर देना इस पर। सो चलते हैं अब, आराम नगर से बाहर निकलते हैं, बांद्रा की तरफ चलते हैं। थोड़ी दूर के चक्कर में आधा किलोमीटर चल रही है बस, स्टॉप नहीं नज़र आ रहा कहीं भी। बस खड़ी है सामने, मिल गया बस स्टॉप, इतने पहुंचेंगे इतने चली ना जाए। तनिष्का जाके भाग के पूछो कि बांद्रा जा रही है क्या, बांद्रा टिकट कटता है ना, तो बस इतने रुकी रहती है। हमें यहाँ आने से 5 मिनट पहले ही बस निकल गई है बांद्रा वाली, और अभी हमने पूछा है जो अंकल टिकट काटते हैं वो बता रहे हैं कि अभी एक ही बस है 200 नंबर की, वो बांद्रा जाती है, तो वो आधा घंटा लगेगा उसको वापस आने में। तो इतने हम सोचने कहीं और चले जाते हैं, फिर उसका आधा घंटा क्या वेट करें। देख लेते हैं कि नेक्स्ट कहाँ जाएं।
इनसे पूछा हमने बस के बारे में। स्फीयर ओरिजिन्स जाएंगे हम नेक्स्ट प्रोडक्शन हाउस जो कि इन्फिनिटी मॉल के पास में है। घंटा होने वाला है, अभी तक तो बस आई नहीं है, ना तो इन्फिनिटी के लिए मिल रही है ना बेंड्रा के लिए मिल रही है, दोनों में से एक जगह की तो मिल जाए कम से कम। ये भी नहीं जाएगी, भूख लग रही है, 3 बजने वाले हैं, बहुत भूख लग रही है। आज तो दाल भी नहीं खाई, भीगी हुई दाल खा लेते थे और दिन कुछ भी नहीं खाया, ओनली पानी पिया है। आ गई है बस, इन अंकल ने हमें बता दी है। तो ये बस नहीं थी, इसके पीछे वाली थी, वो निकल गई, अब ये जाएगी शायद, इसमें पूछते हैं जाएगी नहीं जाएगी इन्फिनिटी। फाइनली हमें बस मिल गई है इन्फिनिटी के लिए, तो बस में से उतर गए हैं हम, देखते हैं नारियल पानी पीते हैं, यहाँ पे भूख लग रही है बस जोर से। कैसे दिया है नारियल पानी? तो आंटी 50 रुपये का एक नारियल पानी दे रही हैं, हमने बोला 90 के दो लगा लो, तो उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दी। सच्ची में आंटी बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा, और ये इतनी मेहनत कर रही हैं, देख के हमें लग रहा है कि हम इन्हें पूरे 100 रुपये ही देते हैं, बट हमें भी देख के चलना पड़ रहा है, हमें यहाँ और भी काफ़ी दिन रुकना है, और हम यहाँ पर कोई कमाई वमाई कर नहीं रहे हैं ऐसे ही, तो बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ रहा है, हम खुद भूखे मरते हैं पूरे दिन में एक ही टाइम खाना खाते हैं हम, कभी कभी 2 टाइम खाते हैं बस। सामने आ गए हैं, थोड़ा आगे उतरे थे, वहाँ पे हमने नारियल पानी पिया, आंटी बड़ी स्वीट थी, बड़ी अच्छी थी, 90 रुपये में उन्होंने हमें 2 नारियल पानी दे दिए। अब हम यहाँ से लेंगे पुलाव, फ्राइड राइस 40 रुपीज़ का मिलता है, ठीक ठाक आ जाता है, तो यहाँ देखते हैं, हम एक दिन लेकर गए थे उस दिन से हम बड़ा याद करते हैं, तो आज हमारे इधर आना हुआ है, तो आज लेकर जाएंगे यहाँ से। तो हम ले रहे हैं वेज बिरयानी और हम जाएंगे अब स्फीयर ओरिजिन्स प्रोडक्शन हाउस जो आसपास ही है कहीं, और यहाँ पे हम अब एड्रेस पूछ रहे हैं, बट अंकल को नहीं पता, वो बोल रहे हैं आगे जाके पूछ लो, तो किसी को भी नहीं पता चल रहा है स्फीयर ओरिजिन्स प्रोडक्शन हाउस के बारे में। एक बार और घूम के गए थे हम, तब भी नहीं मिला था, अब इसके बाद हम बेंड्रा जाएंगे। हाँ बताया हमें किसी ने पूछ के, हाँ बताया एक गार्ड भैया ने, भैया कह रहे हैं गेट पे आगे जाके पूछ लो, आगे पूछते हैं अब, शक्ल पे बज गए हैं 12:04 बज रहे हैं, फेस भी वॉश नहीं कर पाए हम कहीं, अब यहाँ गार्ड भैया को पूछते हैं। बताया है भैया ने अभी कि यहाँ पे जाके लेफ्ट जाना है, लिफ्ट नहीं है शायद, है यहाँ पे देखो लिफ्ट से चलते हैं। सो यहाँ से स्फीयर ओरिजिन्स प्रोडक्शन हाउस जो है शिफ्ट हो चुका है, यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, यहाँ से तो शिफ्ट हो गया है लेकिन गूगल से एड्रेस शिफ्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ देख के गूगल पे आना मत यहाँ पे। अब ये है लक्ष्मी बिजनेस पार्क में शिफ्ट हो गया है, आप वहाँ जाइएगा, यहाँ मत आइएगा स्फीयर ओरिजिन्स के लिए। तो अभी थे हम 3rd फ्लोर पे, स्फीयर ओरिजिन्स का जो एड्रेस है वो 3rd फ्लोर पे था, लेकिन अब वहाँ से शिफ्ट हो गया है, और अभी है हम 6th फ्लोर पे। यहाँ पे हमें किसी ने बताया है कि प्रोडक्शन हाउस है रोज शेट्टी जी का, बट वहाँ पे कोई इंट्रो या ऑडिशन ऐसा कुछ नहीं होता है, और ना ही यहाँ पे ईमेल या कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ये था वहाँ पे, तो यहाँ पे काम नहीं बना। बाहर आ गए हैं हम इन्फिनिटी के सामने वापस से, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, चलते हैं नेक्स्ट, अभी कहीं जाएंगे एक दो जगह और, ऐसे हार नहीं मानेंगे। एक अंकल से पूछा अभी हमने कि बेंड्रा के लिए बस कहाँ से मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि आगे से मिलेगी, तो अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप पर, वेट करेंगे बस का, नंबर नहीं पता बस का भी कौन से नंबर की बस बेंड्रा जाएगी, अंकल ने बोला कि पूछ लेना। 4 बज गए ओनली, हमने नारियल पानी पिया है, खाने के लिए हमने ले लिए बिरयानी, बट वो अभी खाई नहीं, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सिटी मॉल के पास हम वेट कर रहे हैं बस के लिए, बस आएगी यहाँ पे, बस मिल गई है हमें फाइनली। आज हमें बस के लिए ना बड़ा वेट करना पड़ रहा है,
मैं व्लॉग बड़ा नहीं करना चाहती इसलिए आपको नहीं दिखाती हूँ। हम बैंड्रा के लिए बैठे थे बट हम आगे आ गए हैं, हमें पता नहीं लग पाया, बैंड्रा पीछे ही निकल गया। और ये है महीम मच्छीमार नगर, हमें तो बैंड्रा में बाबा नगर जाना है, सोल प्रोडक्शन वहीं पे है। कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा है यहाँ, तो ज़्यादा आगे उतर गए हम। ये नाव गाइस देखो यहाँ पे ना, किसी ने ये नाव का घर बनाया हुआ है। ये बड़ी नाव है या शिप है मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो भी है घर बनाया हुआ है, बस ये देख लो। ये टैक्सी चल रही है, येलो और ये ब्लैक सी। तो बस में से हम उतर गए, तो बस में से हम उतर गए हैं, बस में बैठे थे हम और बोल रहे हैं कंडक्टर भैया कि बैंड्रा आ गया है, आगे के लिए ऑटो पकड़ेंगे। हमारे 10 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, हम आगे उतर गए, ज़्यादा आगे उतर गए। हमने सोचा कि बैंड्रा तक ही बस जाएगी, बैंड्रा में लास्ट है, तो इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। पता चला कि बैंड्रा से आगे गई थी। डेकोरेशन की कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यार, हम कैसी है पता। तो ये डर लग रहा है कि 6 बजने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाए। सो बड़ी मुश्किल से ऑटो वाले भैया को समझ में आया है बाबा नगर, बाबा नगर में है सोल प्रोडक्शन हाउस बैंड्रा में। तो यहाँ पे सब लोग ऑटो वाले यही बोल रहे थे कि बाबा नगर कहाँ पे है, बाबा नगर कहाँ पे है, जबकि यहाँ से थोड़ी सी ही दूर है, पैदल हम थक जाएंगे बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम ऑटो पकड़ रहे हैं। और हमें रास्ता भी तो नहीं पता, रास्ता पता हो तो पैदल चले भी जाएं। देखते हैं चल के, ये सोच के घबराहट हो रही है कि इतनी मेहनत की हमने, इतने पैसे लगाए किराए के, ऐसा ना हो कि बंद हो गया हो। दूसरी बार आए हैं आज, आ रहे भैया ये बोल रहे हैं भैया कि यहाँ पे नहीं होते इंट्रोडक्शन ऑडिशन, तो हमने इनसे बोला ईमेल वगैरह तो दे दीजिए एटलीस्ट। सो ये दिया इन्होंने ईमेल, आप अपना प्रोफाइल सेंड कर देना। ओके गाइस, तो ये है 4th फ्लोर पे, पता ही था कि इंट्रोडक्शन ऑडिशन तो कहीं हो ही नहीं रहे, भाग दौड़ करिए। आज हमने जो वो लिया था पुलाव बिरयानी वो भी नहीं खाई भी। इस बिल्डिंग में है ऊपर 4th फ्लोर पे, इस बिल्डिंग में जहाँ कपड़े सूख रहे हैं इधर, और ज़बरदस्त बाज़ार लगता है यहाँ पे। आज तो ऐसे ही छोटा मोटा लगा हुआ है, काफ़ी चल लिए हैं हम पैदल। और यहाँ पे दिखा है बस स्टॉप, यहाँ पे वेट करते हैं बस के लिए। क्या कर रही है तनिष्का, टाइम क्या हुआ है? 6:02 हो गए हैं शाम के, अभी तक कुछ नहीं खाया, नारियल पानी पिया है ओनली। हम सोच रहे थे घर पे जाके खाएंगे, बस 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 तो दूर दूर तक भी नहीं दिख रही है, 5 मिनट तो हो गए खड़े खड़े। तनिष्का को खिंच के आ रही है, पानी ख़त्म हो गया है। तनिष्का वैकेशंस कैसे जा रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तुम गलत खड़े हो, यहाँ से बस नहीं मिलेगी। तो इन्होंने आपस में बात करके हमें बताया कि यहाँ से इनको बस तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे तो गलत खड़े हैं। एक्चुअली इस लड़की को मैंने ही पूछ लिया था कि आप भी बरसोवा जाओगे क्या, कौन सा इस बस पे लिखा हुआ तो है नहीं नंबर, पता नहीं ये कहाँ जाएगी, बरसोवा जाएगी कि नहीं, पूछते हैं। कोई ऑटो नज़र आ रहे हैं, दूर दूर तक भी बस नज़र नहीं आ रही है, बड़े थक गए हैं, अब हम बैठ गए, जब बस आएगी जब भाग के उठ जाएंगे। 6 बजे से हम 6:30 से वेट कर रहे हैं हम बस के लिए, 6:38 हो गया, 9:39 हो गया, 40 हो ही जाएंगे, अभी तक तो बस नहीं आई है। पहली बार बस इतनी भरी हुई देखी है मैंने जब से मुंबई में आई हूँ, और आज तो सीट भी नहीं मिली बैठने के लिए, खड़े होके जाओ अब। वैसे सीट तो हमें कई बार नहीं मिली है बसों में, बट पहली बार इतनी धक्का मुक्की देखी है। उतर गए हम बस में से,
ज़्यादा ही उतार दी है बस ने, है ना, ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। यहाँ की हवा कितनी ठंडी लगती है ना, समुद्र है ना है पास में। पहली बार आज इतनी रात हुई है हमें, 8 बजने वाले हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ, और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, 7:58 रात के। और इन्फिनिटी मॉल के बिल्कुल सामने से हमें ना 70 की फुल प्लेट बिरयानी मिल गई। दोनों लोगों का अच्छे से पेट भर चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पर ठीक ठाक। और यहाँ पे बरसोवा में मिलती है 80 रुपीज़ की हाफ प्लेट बिरयानी। ये वेज बिरयानी है। मेरी हालत आप लोगों को दिख ही होगी, फेस वॉश कर लिया, फिर भी थकावट तो नजर आ ही होगी फेस पे। इसी के साथ मैं ये व्लॉग खत्म करती हूँ। बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।